मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जंगली सुअर के शिकार से जुड़े एक मामले को रेंजन और वन कर्मियों द्वारा पैसे लेकर रफा दफा करने और हिरासत में लिए गए शिकारी को छोड़ने का मामला सामने आया है। वन्य जीवों के रक्षक बने भ्रष्ट वन परिक्षेत्र अधिकारी और कर्मचारियों के काले कारनामों का खुलासा तब हुआ जब गुप्त सूचना मिलने पर सतना से स्पेशल टास्क फोर्स मामले की जाँच के सिलसिले में पन्ना जिले के रायपुरा पहुँची। इस घटनाक्रम से पन्ना जिले के वन विभाग में हड़कंप मच गया। दक्षिण वन मंडल की DFO मीना कुमार मिश्रा इस अप्रत्याशित खुलासे को लेकर वाकई हैरान है। उन्होंने अधीनस्थ अमले के कृत्य को अत्यंत ही शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। वहीं इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके द्वारा उप वन मंडलाधिकारी पवई से पृथक से अपने स्तर पर जाँच कराई जा रही है। पता चला है कि डॉग स्क्वाड के साथ रायपुरा पहुंचे स्पेशल टास्क फोर्स ने शिकार हुए जंगली सुअर की हड्डियां भी बरामद कर ली हैं। इसके अलावा एक कथित शिकारी को भी हिरासत में लिया है। पकड़े गए आरोपी ने शिकार की घटना को दबाने के एवज में वन अमले द्वारा रुपए लेने की बात अपने बयान में बताई है। इसकी पुष्टि स्पेशल टास्क फोर्स प्रभारी अधिकारी श्रद्धा बंदे ने मीडिया कर्मियों से अनौपचारिक में चर्चा की है। शिकार के गहन जांच के चलते रायपुरा के रेंजर देवेश गौतम समेत अन्य कर्मचारियों पर शिकंजा कसने और फरार चल रहे तीन शिकारियों की धरपकड़ के लिए उनके संभावित ठिकानों पर दबिश दिए जाने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। वहीं इस पूरे मामले में दक्षिण वन मंडल की DFO मीना कुमार मिश्रा का क्या कहना है, आप भी खुद सुनिए। वन संपदा और वन्य प्राणियों के आए बुरे दिन। आपको बता दें कि पन्ना जिले के संरक्षित और सामान्य वन क्षेत्र में पिछले 2 साल से सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जिले के उत्तर दक्षिण वन मंडल और पन्ना टाइगर रिजर्व अंतर्गत इस अवधि में 1 दर्जन तेंदुओं की मौत हो चुकी है, जिनमें से 1 से अधिक तेंदुओं का शिकार हुआ था। ये आपका शुभ नाम मैडम? मेरा नाम है श्रद्धा पंडे जी, प्रभारी अधिकारी DSF सतना जी। तो किस विषय की जांच को लेकर के आप यहाँ आए हैं? यहाँ पे 10-15 दिन पहले एक शिकार का प्रकरण हुआ था वाइल्ड बोर का, और उसमें क्षेत्रीय जो अमला था उन्होंने लापरवाही बरती थी, उन्होंने क्राइम दर्ज नहीं किया था और आरोपियों को छोड़ दिया था। इसी प्रकरण की जाँच, इसी प्रकरण की हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी, इसकी जाँच में आए। कौन कौन अधिकारी थे वो यहाँ पे? जो वहाँ के आरोपी और जो चौकीदार हैं उनके तहत तो 2 बीटगार्ड और 1 डिप्टी है। अच्छा, और वरिष्ठ अधिकारियों ने इस पर क्या किया था? वरिष्ठ अधिकारियों का तो हमें आइडिया नहीं है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन है या नहीं है मुझे नहीं पता है। अभी इन्वेस्टिगेशन में आया नहीं है। अभी हम लोगों ने अपने कर्मचारियों के स्टेटमेंट नहीं लिए हैं जो कर्मचारी उस दिन जब्ती की कार्रवाई में थे। अच्छा, आपको सूचना किसने दी? ये तो सूचना हमको इन्फॉर्मर के माध्यम से मिला है। गुप्त इन्फॉर्मर? यस। कौन सी बीट का मामला है मैम? ये बीट कौन सी बीट है? जब हाँ, उत्तर जामुनढाना एंड जमुनिया। हाँ ये। अच्छा, ये वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं समझ में आती है लापरवाही? STO के ऊपर का तो हमको नहीं पता है, पर जो रेंज ऑफिसर है उसका उनका मुख्यालय यहाँ है, और जब आरोपी को भी यहाँ लाया गया था रेकवारा में, तो एक रेंज ऑफिसर को ये उत्तरदायित्व होनी चाहिए, उनकी ड्यूटी होनी चाहिए कि उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो इनकी तो जिम्मेदारी बनती है। शिकार के कितने दिन बाद जब्ती हुई थी? शिकार का इन्फॉर्मेशन मिला था उन लोगों को 10 से 15 दिन पहले की बात है एग्जैक्ट, क्योंकि टाइम कोई नहीं बता रहा है, होली के पहले का टाइम है। तो जब शिकार हुआ था तो कर्मचारी गए हुए थे इन्फॉर्मेशन के आधार पर, आरोपियों के घर पे गए हुए थे, तलाशी की गई थी, जब्ती मिला था, जब्ती हुई थी और एक आरोपी भी गिरफ्तार हुआ था। इसमें एक उसके बाद हम लोग आए हैं जाँच में। इसमें एक मामला सामने आया है कि यहाँ पे रायपुरा अधिकारी ने कुछ पैसे लेकर के इस मामले को दबा दिया था। अब एक जो आरोपी है हमारे कस्टडी में, उन्होंने तो कुछ लेन देन का बताया है, बाकी लोग 3 लोग तो फरार चल रहे हैं, उनका हमें अभी उनका इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने अभी किया नहीं। तो और आगे की कार्रवाई क्या चल रही है इसके बारे में? अभी जांच तो जारी है। अभी किन किन अधिकारियों को कोई नोटिस जारी हुई है या कोई ऐसी कोई दंडात्मक कार्रवाई? देखिए, नोटिस और दंडात्मक कार्रवाई तो इनके वरिष्ठ अधिकारी करेंगे, हम लोग जाँच करके जाँच प्रतिवेदन प्रेषित करेंगे, और जो भी कार्रवाई होगा फिर इनके खिलाफ जो होगा। मैडम एक चीज़, मीडिया से इस चीज़ को छुपाया जा रहा है, हम लोग संपर्क कर रहे हैं रेंजर देवेश गौतम से, फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे लगता है कहीं ना कहीं इनका भी कहीं कुछ उसमें है। अब उनको इन्फॉर्मेशन तो देना चाहिए जो भी उनको पता है, अब वो आपको नहीं छुपा रहे हैं तो मुझे
इसी से लगता भाई मीडिया से छुपा क्यों रहे हैं बात अगर कोई दिक्कत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो छोटी छोटी सी इन्फॉर्मेशन रहती है, हम लोगों से तो जिन्होंने जिन्होंने जानकारी पूछा हमारे पास आए, हमने बता दिया जो कार्रवाई चल रही है। थैंक यू मैडम।